जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में पाठ चार अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा जिसमें हमने अभी तक सौर ऊर्जा के विषय में पढ़ा था आज हम इसी के अंतर्गत पवन ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे पवन ऊर्जा विंड एनर्जी पवन यानी के हवा पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा है पवन ऊर्जा बहती वायु यानी कि चलती हुई जो हवा होती है बहती जो हवा होती है उससे उत्पन्न की गई ऊर्जा है वायु निशुल्क और प्रचुरता से उपलब्ध है हवा क्या है हमारे वातावरण में निशुल्क निशुल्क प्राप्त है जिसका कोई शुल्क नहीं है जिसका कोई खर्च नहीं है हवा बिना खर्च के हमारे वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है पवन ऊर्जा के उत्पादन से किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की चक्कियों को लगाया जाता है पवन चक्कियाँ यानी कि विंड मिल ये आपने देखे होंगे विंड मिल आप लोगों ने प्रोजेक्ट भी बनाया होगा विंड मिल पर तो ये जो विंड मिल है इनको लगाया जाता है हवादार जगहों पर और इससे क्या होता है इससे हमें एनर्जी मिलती है विंड एनर्जी चक्कियों को लगाया जाता है जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है इसे जनरेटरों की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है पवन ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है को कम करने के लिए एक कारगर यानी कि असरदार विकल्प है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन यानी के निकलने जैसी समस्या भी नहीं है पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रख रखाव सुरक्षित है इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है अनुकूल का अर्थ होता बच्चों मेल रखने वाला या उसके माफिक यानी कि जो हवा है उसके माफिक वहाँ पर हवा की स्थिति कैसे है उसके माफिक कहीं भी लगाया जा सकता है इसके लिए न तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है यानी कि बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं होती है और न ही यह अधिक खर्चीली है इसमें बहुत अधिक खर्च की या पैसों की जरूरत नहीं होती इसलिए पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यव वाले कम खर्च वाले आकर्षक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है अब आगे पढ़ते हैं जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा यानी कि जो पानी से हमें ऊर्जा मिलती है पानी से जो बिजली बनती है उसे बोलेंगे जल विद्युत ऊर्जा जो गिरता गिरते हुए पानी का आशय है यहाँ पर जैसे ऊंचे झरनों से गिरता हुआ जो जल होता है या बहता हुआ नदियों में तेज बहता हुआ जो जल होता है उससे प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का एक तिहाई भाग जल विद्युत से ही प्राप्त होता है विश्व की संपूर्ण यानी कि इस पूरे संसार की संपूर्ण विद्युत शक्ति का यानी कि दुनिया में जितनी भी विद्युत शक्तियाँ जो हैं उनका एक तिहाई भाग यानी कि तीसरा हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध यानी कि डैम बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टर्बाइन चलाए जाते हैं इन टर्बाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है जल विद्युत परियोजनाएं योजनाएं सिंचाई बाढ़ नियंत्रण पेयजल आपूर्ति पर्यटन यानी कि घूमना मत्स्य पालन आदि के लिए मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन आदि के लिए लाभकारी है सुदूर क्षेत्रों में यानी कि जो बहुत दूर क्षेत्र हैं क्षेत्रों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है तो बच्चों आपको समझ में आया जल विद्युत ऊर्जा यानी कि जो नदियां हैं उनपे डैम बनाकर जो बिजली उत्पादन की जाती है उससे हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं जैसे कि यहाँ पर टीरी डैम है तो यहाँ पर किससे बिजली बनाई जाती है पानी से बिजली बनाई जाती है जल विद्युत ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमें यहाँ पर मिलती है और इससे क्या क्या लाभ है एक तो एक तो यहाँ इससे सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है जल विद्युत परियोजनाएँ से इस योजना से सिंचाई भी होती है जो कृषि योग्य भूमि होती है बाढ़ पर नियंत्रण होता है पेयजल की आपूर्ति होती है यानी कि पीने के पानी की आपूर्ति होती है जहाँ पर पीने लायक पानी नहीं है पर्यटन यानी घूमने फिरने को बढ़ावा मिलता है ना पर्यटन को क्योंकि टीरी डैम देखने के लिए भी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं तो इससे क्या मिलता है पर्यटन को बढ़ावा मिलता है हम इसे मत्स्य पालन कर सकते हैं छोटे छोटे गांव वालों को हम उद्योग की सुविधा दे सकते हैं मत्स्य पालन जैसे कि मछली पालन जैसे उद्योग कर सकते हैं और क्या होता है कि सुदूर क्षेत्रों में जो दूर के जो क्षेत्र हैं उनके विकास में भी ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत उपयोगी है तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा पवन ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा आगे हम सौर ऊर्जा आगे हम भाटा से उत्पन्न ऊर्जा के विषय में पढ़ेंगे